अभी टाइम हो गया दिन के 2 बजे और हमें अभी धर्मावाला में, धर्मावाला जिसको पता नहीं होगा, धर्मावाला है विकास नगर में। चाय प्रेमी तो हैं हम, लेकिन आज चाय ऐसी जगह की पी रहे हैं हम, बेवफा चाय वाला भाई साहब, वाह। तो जी हैं हम अभी हिमाचल प्रदेश में, बहुत खुशी हो रही है यार, दूसरे स्टेट में आने पर ना बहुत मज़ा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो फाइनली एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एज यूजल घर से। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 9:30 बजे और भाई अभी उठ रहा है यार। आज अभी क्यों उठ रहा हूँ मैं, क्योंकि यार मेरी हो गई थोड़ी सी तबीयत ख़राब, क्योंकि जो भाई परसों हमने बारिश में भीग के हीरोपंती करी है ना, बहुत महंगी पड़ गई है, तबीयत हो गई है बहुत खतरनाक वाली ख़राब। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे, अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट। एक मस्त प्लान बना आज, आपको बहुत शानदार सा एक ब्लॉग मिलने वाला आज, क्योंकि यार बहुत दिनों बाद आज देहरादून का मौसम हो रखा है मस्त सा, बिल्कुल धूप खिली हुई है। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, एक मस्त से लोकेशन पे ले जाते हैं आज आपको। भाई साहब बहुत अरसों बाद, मतलब बहुत सालों बाद देहरादून में ना धूप आई है। बाहर का मौसम चेक कर लो आप, क्या मस्त हो रखा है आज, बिल्कुल प्रॉपर धूप आ रखी है। तो जी निकल गए हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए और अभी गाड़ी में हो रहा है फिलअप। तो जी अभी हैं हम प्रेम नगर में और प्रेम नगर में रुके हम थोड़े से यहाँ पे किस चीज़ के लिए, भाई को लगी थी थोड़ा सी भूख, तो अभी खा रहे हैं हम यहाँ पे छोले कुलचे। और क्योंकि यार मेरा कल से मन था कि छोले कुलचे खाऊं और फटाफट करते हैं यहाँ से नाश्ता, ये नाश्ता ही है मेरा। तो अभी बहुत दूर जाना है हमें, निकलते हैं इसके बाद यहाँ से फटाफट। देख लो यार क्या मस्त टेस्टी लग रहे हैं, और सामने का मौसम चेक कर लो यार, बहुत ही शानदार उर्का है। बहुत ही सदियों बाद आज देहरादून में धूप खिली है। और भाई ये चेक कर लो, ये प्रेम नगर के छोटे गंगा में भी पानी आ गया है। वैसे ये नदी नहीं है, नाला है, ये हमेशा सूखा रहता है। तो भैया ब्लॉगिंग तो आज का हमारा बस बहाना था आपको दिखाने के लिए, तो आज हम देहरादून का मौसम आए थे कि भाई साहब एक हफ्ते की झमाझम बारिश के बाद देहरादून का क्या शानदार मौसम होता है। और ना भाई इधर का जाम ना कुछ नहीं हो सकता, इस जाम का ऐसा मौसम हो, ऐसे नज़ारे हों। तो गाने तो अपने आप निकलते हैं भाई बाहर। अभी सामने वाले भैया का ना स्टैंड लगा हुआ है और मैं भैया को ज्ञान देने वाला हूँ कि भैया स्टैंड ऊपर कर लो अपना। अरे भैया स्टैंड लगा, स्टैंड। अभी हम आ रखे थे सैलाकुई में किसी काम से, तो काम तो निपट गया भाई, लेकिन जो गर्मी से बुरा हाल है ना, बहुत ख़तरनाक वाला बुरा हाल हो गया। पसीने देख लो आप, क्या ख़तरनाक पसीने हो गए। और यहाँ से चलते हैं, अभी हमें आगे थोड़ा सा कुछ काम है, वो काम निपटाते हैं फिर मिलते हैं आपको। तो जी अभी टाइम हो गया दिन के 1:30 बजे और हम जो अभी पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हम पहुँचे हैं हरबतपुर। तो जी भैया अभी टाइम हो गया दिन के 2 बजे, हमें अभी धर्मावाला में, धर्मावाला जिसको पता नहीं होगा, धर्मावाला है विकास नगर में, और विकास नगर जिसको पता नहीं होगा, विकास नगर है देहरादून में, इतना तो सबको पता होगा, जनरल नॉलेज सबकी अच्छी है। और अभी जा रहे हैं हम यहाँ से, बता देते हैं आपको, सस्पेंस तो थोड़ा लेकिन आप सस्पेंस नहीं रखते हैं, ओ भाई भाई। तो अभी जा रहे हैं हम यहाँ से, मिक्सअप कर लेते हैं यार, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो मैं बोल रहा था अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अब तो मैं ही बोल गया, हाँ हम यहाँ से जा रहे हैं अभी पांवटा साहिब। तो पांवटा साहिब चलते हैं यहाँ से, आपको श्री पांवटा साहिब में गुरुद्वारा के दर्शन कराते हैं। जो हमारे ब्लॉग पहले से देखता होगा उसको पता होगा यार, पांवटा साहिब हम पहले भी गए थे, बहुत मस्त जगह है, बहुत अच्छी जगह है, अल्टीमेट। गुरुद्वारे में चलते हैं, वहाँ आपको भी दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। और जिन भी भाई लोगों ने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सबसे पहले यार जो भी भाई लोग हैं सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत बुरा लगता है यार, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल। और मिलते हैं आपको फटाफट यहाँ से चलने के बाद, कहाँ छोटा सा। तो भाई यार ये सामने की रोड चेक करो आप, क्या मस्त हाईवे बना है ये चंडीगढ़ के लिए आपका, बहुत ही ज़बरदस्त यार,
चाय प्रेमी तो हैं हम, लेकिन आज चाय ऐसी जगह की पी रहे हैं हम, बेवफा चाय वाला भाई साहब, वाह। तो फाइनली पहुंच गए हम पांवटा साहिब, एंड सामने देख लीजिएगा पांवटा साहिब का खूबसूरत सा गुरुद्वारा, क्या मस्त लग रहा है। और ये यमुना नदी का व्यू देख लीजिएगा आप, क्या मस्त मगन लग रहा है भाई। ये अपनी प्यारी सी यमुना नदी, आजकल थोड़ी सी काली हो गई बट बहुत मस्त यार, बहुत मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, अल्टीमेट बोलते हैं जिसको। और जो गुरुद्वारा लगता है ना नदी के साथ, क्या मस्त लगता है यहाँ से। तो जी हैं हम अभी हिमाचल प्रदेश में, बहुत खुशी हो रही यार, दूसरे स्टेट में आने पर ना बहुत मज़ा आता है। पीछे चेक कर लो आप यार, क्या मस्त यमुना नदी है। और ये है पांवटा साहिब, यहीं से स्टार्ट होता है आपका, ये पुल है, इस पुल से ना बहुत सारी यादें जुड़ी है हमारी पुरानी। तो अभी गर्मी हो रही है यहाँ बहुत ज़बरदस्त, तो एक बार आप पीछे का मौसम चेक कर लिए यार, बहुत ख़तरनाक हो रहा है। तो ये ना गुरुद्वारा में जाने के लिए पैदल रास्ता ये है इस साइड से, जो कि है इस साइड से पीछे से होते हुए पीछे से रास्ता जाती है, लेकिन जो मेन रोड है, मेन रोड इस साइड से है। मोदी जी को नमस्ते। तो जी भैया हमने कर ली है एंट्री गुरुद्वारे में। गुरुद्वारा की जो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है ना, ये चेक करो भाई, प्रसाद। ये जी टाइम हो गया अभी शाम के 5 बजे, और भैया दर्शन कर लिए मस्त गुरुद्वारा के और लंगर चख लिया। अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट घर के लिए वापस, क्योंकि भाई बारिश होने वाली है बहुत तगड़ी वाली, और ख़तरनाक वाली बारिश होने वाली है। मौसम देख लो आप, बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। तो जी अभी टाइम हो गया शाम के 6:30 बजे, भाई जस्ट पहुँचे अभी घर पे। तो आज की वीडियो को एंड करने के लिए एज यूजुअल आ गए हम अपनी छत पे। तो भाई आज की वीडियो करते हैं पे एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो भैया लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। बहुत जल्द मिलते हैं एक शानदार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।